You know, high speed. Take it. Mood. Music. सब एक साथ उन चीज़ों को फॉलो करेंगे जो इंस्ट्रक्शंस हमारी गवर्नमेंट उस वक्त दे रही थी।
उससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। सो हर चीज़ में इंजॉयमेंट ढूंढना ज़रूरी है। उस टाइम पे कोरोना टाइम जब वो चल रहा था, अभी भी हम उस सिचुएशन से निकले नहीं हैं, अभी भी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, जो भी है सिचुएशन अभी भी वैसी है, बट उससे यू नो वी ऑल हैव टू स्टे टुगेदर एंड वी हैव टू फाइट दिस टुगेदर। तो वो टाइम निकला है, अच्छे से निकाला है, एंजॉय करके निकाला है, वेयर आई वॉज मेकिंग माई वीडियोज, घर के काम कर रही थी, बर्तन धो रही थी, सारा कुछ यू नो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वही खा रही हूँ जो मैं हमेशा से खाती आई हूँ। मैं फिट कोरोना से पहले ही हो चुकी थी, ये पैंडेमिक से पहले ही फिट हो चुकी थी। व्हेन आई वाज इन एमएसके तभी भी मुझे सब पूछते थे इस बारे में कि यू नो वेट कम कर लिया है, कैसे किया है, काफ़ी लोग पूछने लग गए थे। तो फिट तो मैं पहले से ही हो चुकी थी। कितना टाइम लगेगा? और मुझे शॉट देने दो, फिर आप रुकना पड़ेगा, तुम्हारा भी है ना? हाँ, शॉट देने बोला ना तो ज़्यादा यंग है और हमसे ज़्यादा फिट है और यू नो एनर्जी उनमें सबसे ज़्यादा है। वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या राज है कि उम्र किस पड़ाव में इतने यंग होने, इतना जवान होने के बावजूद एक लॉकडाउन जैसे पीरियड निकाल के दो शख्स आपके फादर की बात आपका दिमाग अगर आपको जवान अगर है ना, तो आप में कितनी भी एनर्जी हो सकती है, आप कितनी भी एनर्जी के साथ काम कर सकते हो। और अगर कोई इंसान मतलब 18-20 साल का है और वो इतना सुस्त है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहता, तो फिर तो वो वैसे ही ढीला ही पड़ जाएगा। और मेरे पापा और अनूप जी मतलब इतने यू नो एनर्जी भरी हुई है उनमें कि मतलब उनको देख के मुझे जोश आने लग जाता है। एंड दे बीन वर्किंग वेरी हार्ड। अनूप जी इतना मतलब ही इज पुटिंग इन यू नो लॉट ऑफ एफर्ट्स इस मूवी में, बहुत कर रहे हैं वो। आज के गाने के बारे में जानते हैं, क्या गाना पिक्चर कर रहे हैं, और क्योंकि बीच में वक्फा पड़ गया, गैप आ गया। हाँ जी, फिल्म के बारे में, फिल्म का नाम सबको पता नहीं थी, एक बार आपकी जुबान। तो मूवी का नाम है वो मेरी स्टूडेंट है। हुआ ये कि बहुत सारे लोग बातें करने लग गए मेरे अनूप जी के बारे में कि क्या हो रहा है, यू नो क्या चक्कर चल रहा है, कि गुरु शिष्य है, क्या हो रहा है। तो अब उनको जवाब देने के लिए हमने सोचा कि चलो यार अब मूवी के थ्रू ही बताया जाए कि हमारा रिलेशनशिप एक्चुअली है क्या। एंड टुडे वी आर शूटिंग अ रोमांटिक सॉन्ग जहाँ पे अनूप जी हैं और मैं हूँ ऑफ कोर्स, और हमारे जो साथ में एक्टर हैं विनय डुंगनपुर, वो भी हैं साथ में। सो वी ऑल आर शूटिंग हियर और बहुत ही मज़ा आ रहा है। इट्स अ वेरी रोमांटिक नंबर जो मैंने गाया हुआ है और आज मेरी आवाज़ में शूट हो रहा है। ये कितना दिलचस्प हो रहा है कि क्या किस तरह का गाना है ये, जब मैं गाने की बात कर रहा हूँ क्या ये बताया जा रहा है या निरोटा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से गाना है या हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से गाना है? इतनी डिटेल में आपको नहीं दूंगी, इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, मैंने आपको सिर्फ इतना ही बता दिया है। अब इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है और रोमांस हो किसके साथ रहा है, तो ये सब थोड़ा सा इंतजार कीजिए। क्या आप मानती हैं कि योर फिल्म इज मोर अबाउट स्पेकुलेशन, बिग बॉस के दौरान भी स्पेकुलेशन था, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, तो गेम आउट एनी गिवन क्लेरिफिकेशन, एनी फादर गेम क्लेरिफिकेशन, ये गिवन क्लेरिफिकेशन, क्या फिल्म के लिए वो माहौल बना जा रहा है कि लोग अंदाजे लगाते हैं जिज्ञासा बढ़ती है? देखिए क्या माहौल बन रहा है, क्या जिज्ञासा बन रही है, मुझे ये नहीं पता। स्पेकुलेशन की अगर हम बात ना करें, सिर्फ उसी की अगर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कम्प्लीटली उसी के ऊपर है। अब ये नहीं है कि मैं और अनूप जी मतलब क्या रिलेशन है, फिर बिग बॉस में गए, इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। एक बेसिक हमने जो स्टोरी लाइन पकड़ के उस पर एक कॉमेडी मूवी बनाई है, जिसकी यू नो जो स्टोरी लाइन है बेसिक, वो मेरे और अनूप जी की लाइफ के ऊपर है ऑब्वियसली। और अब वो रिलेशनशिप क्या है और कैसा है, सब कुछ उसी स्टोरी लाइन पर है, लेकिन ऑब्वियसली इन अ कॉमेडी वे। कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब कोई सीरियस बात हो रही है और यू नो ड्रामा हो रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही फनी फिल्म है और लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं इसे। बताया
ऐसा कैसे कर सकते हैं, हो सकता है कहानी कुछ और भी हो। अनूप जी को आपने देखा है, सबने देखा हुआ है बिग बॉस में, अनूप जी भी कमाल है वैसे तो। आप उन पे ज्यादा, मैं जो भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं, ज्यादा भरोसा ना करें अनूप जी की इस बात पर, वेट करें। चटनी है, मसाले हैं, बस वो ही तो एकदम करेक्ट अमाउंट के मसाले जो है वो आपको तभी पता चलेंगे ना जब आप देखेंगे। बहुत मजेदार शूट चल रहा है इस फिल्म के। आखिरी 3 दिन है, 3 दिन की शूटिंग होगी और ये फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। फिल्म का नाम है वो मेरी स्टूडेंट, मैं और जसलीन मधारी। जसलीन के पिताजी इस फिल्म को बना रहे हैं और बहुत मज़ेदार स्टोरी है, बहुत बढ़िया गाने हैं और इसमें मैंने एक रैप सॉन्ग दिया है। बाकी जो गाता हूँ वो सब तो है ही है, रैप सॉन्ग तो वो एक इंटरेस्टिंग काम है। तो मुझे लगता है कि लोग मुझे और जसलीन को बिग बॉस में देख के बड़े प्रसन्न हुए थे। किसी ने टमाटर फेंके, किसी ने फूल फेंके, सब कुछ था, लेकिन मज़ा तो लोगों ने उसका बहुत लिया, इसीलिए उसकी TRP नंबर 1 थी उस दिन। और अब आप जब उसको थिएटर पे देखेंगे नई स्टोरी के साथ, तो आपको और मज़ा आएगा। यही कोशिश है। देखिए सच तो ये है कि मेरा और जसलीन का एक चर्चित विषय बन गया, जबकि कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है, लेकिन इस फिल्म में भी कुछ नहीं है। इस फिल्म में स्टोरी ये है कि वो मुझसे गाना सीखने आती है, मैं उसको गाना सिखाता हूँ और उसके बाद एक अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी करा देता हूँ। ऐसा ही सही जीवन में भी है, वही इसमें भी है, लेकिन थोड़ी चटनी वटनी डाली है बीच में, मज़ा आएगा आपको। इंटरेस्टिंग तो बनाना पड़ता है ना, तो देखिएगा इसको, मज़ा लीजिएगा। थिएटर रिलीज 50% अलाउ किया, 30% पे थिएटर का खर्चा निकला, उसमें फिर भी 20% प्रोड्यूसर को आएगा। तो अगर 50% पे भी थिएटर सही तरीके से चलते हैं और लोग आते हैं तो बुरा नहीं है। हम चाहेंगे कि थिएटर में भी आ रही फिल्म, और OTT पे तो आई जाती है, बाद में चली जाती है, डिजिटल राइट्स तो बेच दी जाते हैं बाद में, लेकिन हम चाहेंगे थिएटर पे भी आओ, मज़ा अलग है वो बड़े स्क्रीन पर देखने का मज़ा अलग है। मैंने बीच में वो चटनी की भी बात की, वो चटनी तो खुल के नहीं बताई जाती, तो वो अचार चटनी जो है मज़ा तो उसका ही आएगा ना, वो उसको देखने जाएंगे लोग। तो आप ये कह रहे हैं कि जब तक आप शादी नहीं कराते एंड में जाके क्लाइमेक्स, तब तक लोग किसी जिज्ञासा में रहेंगे। हाँ बिल्कुल है, आप क्या बहुत है उसमें। इतने ट्विस्ट हैं कि कमाल हो जाएगा, इतने ट्विस्ट हैं, मुझे भी आश्चर्य हो रहा था कि इस फिल्म की स्टोरी में इतने ट्विस्ट हैं, मज़ा आ रहा था और लोगों को भी मज़ा आ रहा था। ये फिल्म अब इस महीने में शूटिंग पूरी हो रही है तो 2 महीने और दे दीजिए, अगली इंडक्शन
देखिए अक्षय वगैरह ये लोग तो हमारे फिटनेस के मामले में हमारे जूनियर हैं, क्योंकि मैंने 10 साल की उम्र से योगाश्रम जाना शुरू कर दिया था लखनऊ में। 10 साल की आयु से मैं कुंजल, शंख प्रक्षालन, जल नीति, रबर नीति, योगा वोगा सब करता रहा हूँ। और बाबा रामदेव हमारे मित्र हैं, हमने उनको बताया कि आप तो अभी आए हैं, हम तो कितने साल से कर रहे हैं, उनको भी पता है हमारे मित्र हैं। तो योग विद्या जो है, ये जो योगासन है, इससे बड़ी फिटनेस का कोई तरीका नहीं है। उसका कारण क्या है बताता हूँ। बॉडी, माइंड एंड सोल, तीनों को हेल्दी बनाना होता है। अगर आप जिम जाएंगे तो डोले शोले बनते हैं और कुछ नहीं होता। आप जिम से बाहर आके किसी की पिटाई कर सकते हैं, आपका माइंड संतुलित नहीं होगा, आपकी आत्मा प्रसन्न नहीं होगी, क्योंकि आप मेडिटेशन नहीं करते हैं। मेडिटेशन करेंगे, आत्मा प्रसन्न होगी, आपका माइंड संतुलित होगा। प्राणायाम करेंगे, ईश्वर आपके अंदर जो है वो प्रसन्न होंगे, क्योंकि प्राणायाम जो है, हम कहते हैं ना, हृदय बना लो भक्तों गोकुल नाम रे, आके बसेंगे उसमें राज्य। आप शरीर को इतना सुंदर बना लीजिए, आपको पता है कि आपका आखिरी सांस तक आपका साथी कौन है जीवन में? माँ बाप, भाई बहन सब चले जाने वाले, आखिरी सांस तक आपका साथी आपका शरीर, लास्ट ब्रेथ तक। तो जो इतना दूर का साथी है आपका, आप उसकी परवाह ही नहीं कर रहे हैं। आप क्या क्या सुबह से रात तक खाते रहते हैं, वो आपके शरीर को पसंद नहीं है, आप क्यों उसको खिला रहे हैं? बॉडी इज योर बेस्ट फ्रेंड, और आप अपने फ्रेंड को वो सब चीज़ें खिला रहे हैं जो उसको पसंद नहीं है, क्योंकि वो बेचारा कुछ कह नहीं सकता। आप उसका मुंह खोलकर उसमें डाल देते हैं। व्हाई यू आर टॉर्चरिंग योर ओन बॉडी, योर फ्रेंड, द बेस्ट फ्रेंड। तो शरीर को वो खिलाइए जो शरीर के लिए अच्छा है, क्योंकि शरीर ही आप हैं और शरीर ही आपका अंतिम सांस तक है। कौन किसे आप मानते हैं? मेरे पिताजी श्री पुरुषोत्तम दास जी, अब वो नहीं रहे, 85 साल की आयु में वो चले गए थे, लेकिन उनकी फिटनेस का कमाल था कि 85 की एज तक वो अपने कॉन्सर्ट्स कर रहे थे, वो लोगों को सिखा रहे थे और हम लोगों को भी सिखाते थे, खाते पीते मौज करते थे। ये होती है फिटनेस। थैंक यू।